बाड़मेर नगर परिषद क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए अब नगर परिषद को 2 ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीनें मिली है। केंद्र व राज्य सरकार की विशेष सफाई योजना के तहत नगर परिषद को यह 2 इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें मिली है। इन मशीनों की सहायता से बहुत ही कम समय में शहर में साफ सफाई का कार्य किया जा सकेगा। साथ ही शहर की मुख्य सड़कों पर इन मशीनों से साफ सफाई होने पर यहाँ लगे कर्मचारियों से अब कच्ची बस्तियों में सफाई करवाई जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बाड़मेर की रेटिंग अच्छे होने के बाद राजस्थान सरकार ने बाड़मेर शहर की सफाई को लेकर 2 ऑटो स्वीपिंग मशीनें दी है। इन दोनों मशीनों की लागत करीब 11 लाख रुपए है। वहीं इन दोनों मशीनों को चलाने के लिए सिर्फ 2 ऑपरेटर की ही जरूरत पड़ती है। इन मशीनों के आने के बाद सड़कों पर सफाई का कार्य तेजी से होगा। साथ ही यह दोनों मशीनें 100 मजदूरों का कार्य अकेले करने में सक्षम है। सड़कों की सफाई के लिए यह मशीनें काफी फायदेमंद होगी। हालांकि मशीनें बड़ी होने के कारण शहर की तंग गलियों में तो नहीं जा सकेगी, लेकिन इनका इस्तेमाल शहर के मुख्य व बड़े मार्गों पर किया जाएगा। नगर परिषद आयुक्त योगेश आचार्य के मुताबिक एक स्वीपिंग मशीन 300 क्यूबिक कचरा साफ कर सकती है तो दूसरी मशीन 400 क्यूबिक कचरा साफ कर सकती है। साथ ही एक घंटे में 1 से 1.5 किलोमीटर तक सफाई इससे आसानी से की जा सकती है। नगर परिषद आयुक्त के मुताबिक इन 2 स्वीपिंग मशीनों के आने से शहर के मुख्य मार्गों पर सफाई करने में आसानी रहेगी और 2 ऑपरेटर इन दोनों मशीनों को चला पाएंगे, जिससे ज्यादा कर्मचारियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाड़मेर की रेटिंग में सुधार होने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद बाड़मेर को 2 ऑटो स्वीपिंग मशीन उपलब्ध करवाई गई है। यह मशीन बैटरी ऑपरेटेड है, जिसमें 2 चैम्बर है 150 क्यूबिक के, जिसमें लगभग एक मशीन 300 क्यूबिक और एक मशीन 400 क्यूबिक के करीब कचरा जो बोर्ड के ऊपर साइडों के अंदर डिवाइडर के ऊपर जो मिट्टी या हवाइड वेस्ट होता है, जिसमें कंकड़ पत्थर या टूटी फूटी बूट में प्लास्टिक पॉलीथीन वो ऑब्जर्व करती है। यह मशीन तकरीबन 1 घंटे के अंदर 1.25 किलोमीटर रोड की सफाई करती है। तो मान के चलिए कि जो नगर परिषद के मेन रोड एरिया पर लगभग 30 से 40 कार्मिक काम कर रहे हैं, उन जो महिलाएं सिर्फ झाड़ू निकालने का काम कर रही है उनकी जगह यह काम आएगी, तो बचेगा जो स्टाफ जो शहर की कच्ची बस्तियों में उपयोग में लिया जाएगा, अवश्य ही नगर परिषद की सफाई में सुधार भी होगा। इसके अलावा हम प्रयास कर रहे हैं कि नगर परिषद की सिटी फाइनेंस लेवल में भी सुधार हो, ताकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा नगर परिषद को अन्य और व्हीकल उपलब्ध कराया जाए, ताकि शहर की सफाई व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आए। वहीं 2 स्वीपिंग मशीनें आने के बाद ज्यादा सफाई कर्मचारी मुख्य सड़कों पर नहीं चाहिएंगे, जिसके बाद इन कर्मचारियों से शहर की साथ साथ शहर की कच्ची बस्तियों में भी साफ सफाई करने में सुविधा होगी। इन दोनों स्वीपिंग मशीनों को नगर परिषद ने ट्रायल कर दिया है। अब इन दोनों स्वीपिंग मशीनों को सड़कों पर उतारा जाएगा, जिससे बाड़मेर शहर को साफ सुथरा करने में आसानी रहेगी।